अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल फन वर्कशॉप की आज की वीडियो का टॉपिक है हमारे पास सैमसंग A30 मोबाइल है। तो इसको लगा हुआ है पिन लॉक, तो इसका पिन लॉक रिमूव करेंगे विदाउट किसी और किसी भी डिवाइस के बगैर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले आपने करना है इसकी पावर को ऑफ, ठीक है। मैं इसके पावर को ऑफ़ करता हूँ, तो जब मैं पावर को ऑफ़ करता हूँ तो ये पैटर्न या पिन लॉक कोई भी आपने लगाया हुआ है तो वही वाला जो है वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको लगाना है आपने चार्जर, ठीक है। मैं इसको लगाता हूँ चार्जर, ठीक है। चार्जर कनेक्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपने करना है वॉल्यूम अप डाउन और पावर वाला बटन, तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करना है। ठीक है, तीनों बटनों को एक साथ प्रेस करना है। जब आपका फोन जो है वो बंद हो के इस तरह का लोगो, चार्जिंग लोगो शो करवा दे तो बटनों को आपने छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो पावर ऑफ हो चुका है। पावर ऑफ करने के बाद आपने करना है इसका चार्जर को, हम उसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब वॉल्यूम अप वाला बटन और पावर वाला बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, ठीक है। जब इस तरह से 820 का लोगो शो हो जाए तो आपने छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे, ठीक है। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट पे आने के बाद आपने पावर वाला बटन जो है वो प्रेस करना है इस तरह से। उसके बाद जो है वो नीचे आ जाना है, फैक्ट्री रीसेट पे जाना है और यहाँ पे जो है वो आपको नीचे फॉर्मेट डाटा जो होता हुआ नज़र आ जाएगा। अब जो है वो फॉर्मेट कम्प्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर रिबूट सिस्टम नाउ पे आपने पावर वाला बटन जो है प्रेस कर देना है। इसको रिबूट सिस्टम नाउ पे पावर वाला बटन प्रेस करने के बाद यहाँ के आपका फ़ोन जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद सैमसंग गैलेक्सी A20 का लोगो शो हो जाएगा। तो ये मैंने आपको A30 कहा था, ये A20 मॉडल है। इस तरह के मॉडल जितने भी हैं A30, A10, A20 और A20S, ठीक है, A50, A51, तो इस तरह से जो ए सीरीज़ के मॉडल है तो मोस्टली जो है वो इसी तरह से जो है वो आप अपने मोबाइल की हार्ड को रीसेट करते हैं, इससे सारा डाटा जो है आपका क्लीन हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे जो अब आपका फ़ोन रीस्टार्ट होगा रीसेट होने के बाद, ठीक है। आफ्टर रीसेट आपका फ़ोन जो है फर्स्ट लोगों पर फर्स्ट टाइम जब भी ऑन होगा तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। आपके मोबाइल की बैटरी जो है 30% से अबाव होनी चाहिए, तो आपने वेट करना है। फर्स्ट लोगों पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इसकी सेटिंग करके दिखाऊंगा। अगर इस पर FRP लॉक लगा हुआ है जो कि गूगल ID जो पहले से हमने प्ले स्टोर में लगाई होती है वही वाली ID लगानी पड़ती है, उसके अलावा जो है वो आपको वो रीसेट नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, फिर हम इसकी नेक्स्ट सेटिंग भी आपको करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है, तो इसके बाद जो है वो इसकी नेक्स्ट सेटिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, मैं इंग्लिश को ही रहने देता हूँ। एरो पे क्लिक करता हूँ, टर्म एंड कंडीशन को आपने चेक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना वाईफाई, अगर यहाँ पे स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, अपना वाईफाई से अटैच करना पड़ेगा। कोई भी वाईफाई लगा दें, तो यहाँ पे मैं इसको स्किप कर देता हूँ। कॉपी ऐप एंड डाटा पर डू नॉट कॉपी पर क्लिक कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, डेट एंड टाइम एक्सेप्ट पे क्लिक करता हूँ और पैटर्न कोई भी नहीं मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको स्किप अवे पे कर देता हूँ। अगर आपने पैटर्न लगाना है तो पैटर्न आप यहाँ पे भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, पैटर्न पिन लॉक या पासवर्ड कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सैमसंग का अकाउंट लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं उसको भी स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे जो है हमारा फ़ोन जो है वो यूज़ के लिए रेडी हो चुका है। अब इस पर कोई भी लॉग वगैरह वो शो नहीं करवाएगा, ठीक है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका सलूशन भी आपको ज़रूर सेंड कर दूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।